आज ये सिनेमैटिक वीडियो केवल ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए है, और ये वाला ब्रॉक लेसनर का वीडियो शायद तक हो सकता है कि आपको खुशी ना दे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा ही होने वाला है। अब इफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का एक ऐसा जमाना हुआ करता था भाई, जहां पे रोमन रेंस को ये मार के रख देते थे, वो ब्रॉक लेसनर जो कि सेथ रॉलिंस को मारने का दम रखता था, और वो ब्रॉक लेसनर जिसने रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग को हराया था भाई। तो फिर ऐसे ब्रॉक लेसनर को क्या हो गया, तो उसी के बारे में आज ये ब्रॉक लेसनर के ऊपर सिनेमैटिक वीडियो आने वाला है। और आई होप आप इस वीडियो से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा दोगे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। बाय द वे चलो बात करते हैं भाई ब्रॉक लेसनर के गोल्डन पीरियड की। और गोल्डन पीरियड ब्रॉक लेसनर का भाई 2014 से 2019 के बीच में आया था, जहाँ पे था बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपने हाईएस्ट पीक में थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है विंस मैकमोहन, थैंक्स टू विंस मैकमोहन, क्योंकि देखो जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर अब काम कर रहे हैं ना, तो मेरे को पता लगता है कि भाई ब्रॉक लेसनर की बुकिंग्स किस तरीके से मायने रखती थी। जो ब्रॉक लेसनर का गोल्डन पीरियड शुरू होता है भाई 2014 में द अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ने के बाद, एक ऐसी स्ट्रिक जहां पे 21 साल से अंडरटेकर ने हारा नहीं, वहां पे भाई ब्रॉक लेसनर एक पहले अपोनेंट थे जिन्होंने लोगों के हेट को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई लोग मेरे को हेट करेंगे लेकिन मैं अंडरटेकर के रेस्पेक्ट के लिए वाली स्ट्रिक तोड़ने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से भाई ब्रॉक लेसनर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और यहाँ से फिर जॉन सीना के साथ जो समर स्लैम में जो आइकॉनिक मैच हुआ था ना, आई थिंक वो वाला मैच रेसलमेनिया में होना चाहिए था। और जिस तरीके से भाई बीफ्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने 16 सुप्लेक्स दिए थे, जॉन सीना को तोड़ के रख दिया था, वहाँ पे अपना एक्सट्रीम रूल्स कभी बदला लिया, और थैंक्स टू जॉन सीना, क्योंकि भाई 5 से 6 मैचेस में केवल जॉन सीना ने एक बार केवल एक्सट्रीम रूल्स में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये भी साबित हो जाती है कि भाई ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना खास करके कितने ईमानदार है WWE के लिए। अब यहाँ पे जॉन सीना जैसे ही हारे ना, तो वहाँ पे WWE में एक और सुपरस्टार जो कि बहुत ही बड़ा हो चुका था उस वक्त, इनका नाम है रोमन रेंस, और यहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर द बिग डॉग रोमन रेंस का उस वक्त हुआ करता था, जहाँ पे 2015 में लोग रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी सपोर्ट के बीच में भाई एक आंधी और तूफान बन के आते हैं ब्रॉक लेसनर, और फिर वो आइकॉनिक मैच जो कि रेसलमेनिया 31 में हुआ था ना, 2015 वाला मैच जो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का हुआ था, उसमें ब्रॉक लेसनर ने भाई क्या ही बेहतरीन तरीके से तोड़ा था। हालांकि बाद में सेथ रॉलिंस ने इस मैच में इंटरफेयर किया और इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया, लेकिन आज की डेट में भी ये वाला मैच ब्रॉक लेसनर के करियर का एकदम बीस्ट वाला मैच होता है। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 31 यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे नंबर वन में आता है जब कोई भी सर्च मारता है रोमन और ब्रॉक के मैचेस को। तो हाँ भाई, कुछ इस तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर थे। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के करियर में डाउनफॉल 2018 से ही आना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी ना 3 से 4 साल तक चल रही थी, क्योंकि 2015 के बाद फिर 2017 में भी समर स्लैम में इनका मैच हुआ, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया में स्टील केज मैच हुआ, उसके बाद 2018 में रेसलमेनिया मैच हुआ, और इसमें ब्रॉक लेसनर लगातार हराते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे फिर आता है 2018 का टाइम, जहाँ पे भाई रोमन रेंस ने फाइनली ब्रॉक लेसनर को हराया, लेकिन वो वाला मैच ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद कोई रोमन रेंस के लिए फायदा का साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकेमिया के कारण से रोमन रेंस को शो छोड़ के जाना पड़ गया। और यहाँ से फिर ब्रॉक लेसनर का अटेंशन जाता है सेथ रॉलिंस के ऊपर। अब वो सेथ रॉलिंस जो कि भाई धोखे से भाई रेसलमेनिया 31 में मनी इन द बैंक कैश इन करके जीता था रोमन रेंस को पिन करके, अब उस रॉलिंस से फेस करते हैं ब्रॉक लेसनर। और यहाँ पे भाई फिर देखो ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता है रेसलमेनिया में, वहाँ पे सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। उसके बाद से फिर समर स्लैम 2019 में भी सेथ रॉलिंस ने हराया ब्रॉक लेसनर को, तो यहाँ से ब्रॉक लेसनर का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होता है। उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर के आमने सामने आ जाते हैं। 2020 में ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर का सबसे लंबा एपीरियंस दिया था रॉयल रंबल में, आज तक भी वो रिकॉर्ड साबित है, वहाँ पे शायद तक 13 या 14 लोगों को एलिमिनेट किया था ब्रॉक लेसनर ने। उसके बाद फिर 2020 के COVID-19 वाले रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर हारते हैं, यहाँ से ब्रॉक लेसनर का एक गोल्डन पीरियड खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 साल बाद फिर ब्रॉक लेसनर बैरबेरियन किंग काउबॉय ब्रॉक लेसनर दाढ़ी और टोपी वाले जब वापस आते हैं ना, तो यहाँ से लोगों ने नहीं सोचा था कि ब्रॉक लेसनर का भाई करियर इतना डाउनफॉल में जाएगा, और यहीं से ब्रॉक लेसनर का डाउनफॉल शुरू होता है। ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं एक बार फिर से रोमन रेंस के लिए, जहाँ पर रोमन रेंस एक टर्म ट्राइबल चीफ हो चुके थे, हील वाले कैरेक्टर में हो चुके थे, पॉल हेमन रोमन रेंस के पास थे, वहीं से ब्रॉक लेसनर भाई एकदम फेस सुपरस्टार बन के आते हैं, लोगों को एंटरटेन करना शुरू करते हैं, माइक स्किल्स दिखाना शुरू करते हैं, प्रोमोस कट करना शुरू करते हैं। वहीं से ब्रॉक लेसनर ने भाई चैलेंज किया रोमन रेंस को, और यहाँ पे क्राउन ज्वेल वाला मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये साबित होती है कि भाई पॉल हेमन को ये पता नहीं है कि मैं किसके साइड में हूँ। चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास चली जाती है जिमी उशो और जे उशो उसके कारण, और फिर यहाँ से भाई ब्रॉक लेसनर का डाउनफॉल शुरू होता है।
इस मैच में हारने के बाद ब्रॉक लेसनर का डेवन में मैच सेट होता है और वहां पर डेवन में भाई बिग ई को हरा के ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाते हैं एक बार फिर से। और यहां से फिर शुरू होता है भाई ब्रॉक लेसनर का एकदम डार्क फेस। अब डाउनफॉल तो हो रहा है लेकिन यहां से डार्क फेस शुरू होता है। यहाँ पे बॉबी लैशली के आमने सामने आते हैं ब्रॉक लेसनर। भाई जिस तरीके से बॉबी लैशली फिर पीट के रखते हैं ना ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में, हालांकि रोमन रेंस ने साथ दिया था बॉबी लैशली का, लेकिन जिस तरीके से वो रॉयल रंबल वाला मैच था वो वाला मैच उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। और यहाँ पे फिर रेसलमेनिया 38 में एक बार फिर से रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर फिर से हारते हैं। लेकिन इस डाउनफॉल में भी ब्रॉक लेसनर का ना एक चीज़ कंसिस्टेंस था, वो उनका परफॉर्मेंस, और जो परफॉर्मेंस था उनका खास करके समर फ्लैम 2022 रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में देखने को मिलता है। ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और इतना ज़्यादा बेहतरीन था कि भाई आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ से फिर डार्क फेस शुरू होता है, एकदम डार्क वाला डार्क फेस शुरू होता है जब बॉबी लैशली के साथ दोबारा स्टोरी लाइन चलती है। यहाँ पे WWE को पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं हम, और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एच आ चुके हैं तो ट्रिपल एच को भी ज़्यादा पता नहीं कि हम ब्रॉक लेसनर के साथ क्या करने वाले हैं। आई थिंक ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर से अपने मैचेस हारने का बदला ले रहे थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने बहुत बार उनको हराया हुआ है। तो यहाँ से भाई ब्रॉक लेसनर का डाउनफॉल शुरू होता है। फिर जिस तरीके से बॉबी लैशली ने ताप दिया ना ब्रॉक लेसनर को, वो तो सभी आप लोगों ने देखा होगा। आप कमेंट करके बता रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर की बुकिंग किस तरीके से होनी चाहिए और ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते हैं WWE में रहना कि नहीं, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि अब ब्रॉक लेसनर को रिटायर होना चाहिए। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर मैचेस हार रहे हैं ना, फिर ओमोस के साथ अब मैच होने वाला ब्रॉक लेसनर का, तो उस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर डिजर्व टू बी इन द WWE। कुछ इस तरीके से वीडियो था और वीडियो बनाते वक्त मेरे को खुशी नहीं हुई। लेकिन अगर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। वॉचर फ्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।